नमस्कार, जय जिनेंद्र, जय श्री महाकाल। स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में, जहां पर हम बातचीत करेंगे स्टॉक मार्केट की 16 तारीख की रणनीतियों के ऊपर। बातचीत करने के पहले हमने आज के लिए क्या रणनीति बनाई थी, क्या निफ्टी के बैंक निफ्टी के सपोर्ट रेजिस्टेंस लिए थे, क्या थे हमारे मैजिकल फिगर्स, कौन से स्टॉक्स को बाय सेल रिकमेंड किया था, कौन से स्टॉक्स हमारी होल्डिंग पर थे, कहां पर प्रॉफिट हुआ, कहां पर लॉस हुआ और कौन से स्टॉक्स हमारी होल्डिंग पर गए हैं, सब की बातचीत करेंगे एकदम छोटे से वीडियो में और एकदम आसान भाषा में। और फिर बात को आगे बढ़ाएंगे, बात करेंगे मंडे की, यानी 16 तारीख की। 16 तारीख के लिए कौन से निफ्टी के बैंक निफ्टी के सपोर्ट है, क्या मैजिकल फिगर में उछाल है, कौन से स्टॉक्स को बाय सेल किया जा सकता है, क्या बाजार यहां से करेक्शन देगा, कहां पर ब्रेकआउट आइडेंटिफाई होंगे, सब की बातचीत करेंगे। बात करेंगे पहले स्टॉक स्पेसिफिक की। स्टॉक्स में हमारे पास होल्डिंग पर था एचडीएफसी बैंक जो कि 1493 रुपए के आसपास था, उसका 1511 रुपए के आसपास इसका प्रॉफिट बुक कराया, तो करीब करीब यहां पर 1.25% के आसपास आप लोगों ने गेन किया होगा। परफॉर्मेंस शीट में इसको एंट्री क्लोज कर दी है, हालांकि इसका टारगेट भी अचीव हो गया। दूसरा स्टॉक हमारे पास होल्डिंग पर कुछ नहीं था, जो आज के लिए स्टॉक्स लिए थे उसकी बात करेंगे। अल्ट्राटेक को बाय करने का था 7430-7455 की रेंज में, 7432 का इसका लो पोस्ट हुआ है, टारगेट लेके चल रहे थे 7540 के, आज का हाई 7529 का, 7460-70 के आसपास क्लोज हुआ है। ये ऑलमोस्ट टारगेट अचीव कर चुका था और उसके बाद क्लोजिंग के आसपास ये टारगेट यानी बाइंग रेंज एक्टिवेट होने पर आ रहा था, तब मैंने इसको पब्लिक टेलीग्राम चैनल के थ्रू कह दिया था कि इसको एग्जीक्यूट ना ही करिए, क्योंकि अब ट्रेडिंग अब मंडे को बाजार खुलने वाले एकदम हाईएस्ट लेवल पे क्लोज हो रहे हैं, हो सकता है थोड़ी गैप अप ओपनिंग मिल जाए, लेकिन गैप अप ओपनिंग के बाद हो सकता है एक अच्छा खासा करेक्शन भी देखने को मिले। एक्सिस बैंक को बाय करने का था 755 के आसपास, 767 के टारगेट लेके चल रहे थे, 749.90 का स्टॉप लॉस था, 764.50 का इसका हाई पोस्ट हुआ है, 754.20 का लो पोस्ट हुआ, एग्जीक्यूशन हुआ लेकिन इसको रिकॉर्ड नहीं कराया क्योंकि पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे अल्ट्राटेक और एक्सिस बैंक दोनों को एग्जीक्यूट करने से मना कर दिया था। तीसरा स्टॉक कहा था 700, हालांकि अगर किसी ने एक्सिस बैंक और अल्ट्राटेक को एग्जीक्यूट भी किया होगा तो उसको मुनाफा ही मिला होगा क्लोजिंग में। वीडीएल को बाय करने कहा था 317 रुपए के आसपास, 320.60 का इसका लो पोस्ट हुआ है, 331 रुपए के टारगेट लेके चल रहे थे, 333 रुपए का इसने हाई पोस्ट किया, एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया। एसबीआई बैंक को बाय करने का था 425 में 421.90 के स्टॉप लॉस से, 432 रुपए के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे थे, आज का हाई 432 रुपए का, 432.25 का लो 425 रुपए का, ये होते हैं लेवल्स के कमाल। हालांकि इसको 428 रुपए के आसपास इसका प्रॉफिट बुक कराया, तो इसमें मोटा मोटी 0.7% के आसपास प्रॉफिट हुआ, 0.25% के आसपास एचडीएफसी बैंक में हुआ, तो भी 2% के आसपास इन्वेस्टेड कैपिटल पे कैपिटलाइज किया है, होल्डिंग पर कुछ भी नहीं गया। बात करूंगा परसों के लिए कौन से स्टॉक्स नजर आ रहे हैं, परसों यानी मंडे के लिए। पहला स्टॉक होगा इंडसइंड बैंक, इंडसइंड बैंक को सेल करेंगे 1036-1040 की रेंज में, 1045.10 का स्टॉप लॉस, 998 के टारगेट। दूसरा स्टॉक होगा हमारा ऑटो, बजाज ऑटो, बजाज ऑटो को सेल करेंगे 3888-3900 की रेंज में, 3916 का स्टॉप लॉस, 3765 तक के टारगेट। तीसरा स्टॉक होगा हमारा जील, जी इंटरटेनमेंट, सेल करेंगे 187-188 की रेंज में, 189.10 का स्टॉप लॉस, 182.50 के टारगेट। चौथा स्टॉक होगा हमारा आईबुल, आईबुल को सेल करेंगे 251-253 की रेंज में, 255.10 का स्टॉप लॉस, 244 के टारगेट। इस बार ऐसा लग रहा है ये आईबुल में जो बहुत सारी न्यूज स्पेकुलेट हुई थी, स्पेकुलेट क्या सच्चाई भी थी कि झुंझुन वाला जी ने इसको बाय किया है, इस बार मुझे लग रहा है झुंझुन वाला जी को भी इस स्टॉक में लॉस हो सकता है। चलिए देखते हैं, वो तो खैर बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, अगर बीच में कोई मेजर फॉल नहीं आया तो हो सकता है वो इसको होल्ड करें, और अगर बीच में कोई मेजर फॉल आने लगता है बाजार में तो हो सकता है उनको लॉस बुक करना पड़े। चलिए बात करेंगे इंडेक्स की, निफ्टी को बाय कर, निफ्टी का सपोर्ट लेवल लिया था 16265 का, आज का लो पोस्ट हुआ है 16360 का, आज भी हाईएस्ट क्लोजिंग आई है बाजार की 16517 के आसपास की, और यही कल हमने अनुमान लगाया था कि इसकी हाईएस्ट क्लोजिंग आज के लिए भी होनी चाहिए। आज का हाई पोस्ट हुआ है 16534 का, 16444 का पहला रेजिस्टेंस था, 16610 का दूसरा रेजिस्टेंस था, मैजिकल फिगर था 16110 का। मंडे के लिए इसके सपोर्ट नजर आ रहे हैं 16320-16150, रेजिस्टेंस 16691-16920। लास्ट में बात करेंगे मैजिकल फिगर्स की। बैंक निफ्टी का पहला सपोर्ट लिया था 35960 का, आज का लो देखिएगा एग्जैक्ट 35960 का। अगर आज भी आप लोगों ने पैसा नहीं बना पाया है तो आप लोगों को अपने में सुधार करने की अति आवश्यकता है। 36200 के आसपास की क्लोजिंग आई है, नहीं करके 200-250 पॉइंट का प्रॉफिट दी होगी बैंक निफ्टी ने। रेजिस्टेंस लेवल लिया था 36475 का, उसको टच नहीं कर पाया, 36200 के आसपास की क्लोजिंग आई है। मंडे के लिए इसके सपोर्ट नजर आ रहे हैं 36050 का पहला सपोर्ट,
35,620 का दूसरा सपोर्ट, 36,625 का पहला रेजिस्टेंस, 37,095 का दूसरा रेजिस्टेंस। मैजिकल फिगर निफ्टी के लिए था 16,110 का, अब वो मैजिकल फिगर हो चुका है 16,235 का। बताइए कहां से मैजिकल फिगर को ट्रेल करते आ रहे हैं। अब आप लोगों का लॉन्ग पोजीशन का स्टॉप लॉस 16,235 को काटता है तो एक लास्ट बाहुबली लेवल रहेगा इसका 16,150 का, और 16,150 के नीचे फ्री फॉल, यानी अब नीचे के लेवल्स भूल जाइए, 16,235 और 16,150 को अगर काट दे तो तेजी 54 की भी मत रखिएगा। बैंक निफ्टी 35,600 का इसका मैजिकल फिगर था आज के लिए, अब वो मैजिकल फिगर हो चुका है 35,680 का। बैंक निफ्टी के मैजिकल फिगर में ज्यादा कोई बढ़त नहीं बनी है। 35,680 को काटता है तो बैंक निफ्टी से भी कहना जयराम जी की। और निफ्टी हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये 235 के फिगर को नहीं काटती है, 16,235 के फिगर को, तो एक बार 16,690 और 16,700 तक भी जा सकती है। वैसे अल्टीमेट टारगेट तो मेरा 17,236 का है, जो मैंने पिछले साल अप्रैल मंथ में ही कहा था। आशा करता हूँ आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो जाते जाते प्यार मोहब्बत से लाइक का बटन दबा दीजिएगा, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी शेयर करिए, ताकि वो भी मेरे द्वारा बताई हुई रणनीतियों को एग्जीक्यूट करके बना सके। मुनाफा उन लोगों के साथ जरूर शेयर करिए जो कहते हैं इस मार्केट से पैसा नहीं बन सकता या फिर इस मार्केट को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी सोशल मीडिया की लिंक होती है, आप चाहें तो हमसे सब जगह जुड़ सकते हैं, स्पेशली पब्लिक टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ जाइए ताकि आपके और मेरे बीच की कनेक्टिविटी बनी रहे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ कंपनियों के अकाउंट ओपनिंग के लिंक होते हैं, आप चाहें तो उन्हें क्लिक करके अपने अकाउंट ओपन कर सकते हैं और एग्जीक्यूट कर सकते हैं मेरी बताई हुई रणनीतियों को। ऊपर आई बटन में हमारे पास वीडियोस के लिंक होते हैं, उन्हें भी देखिए ताकि मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट कैसे होता है, कैसे एग्जीक्यूट किए जाते हैं, कैसे मैजिकल फिगर को आधार बनाया जाता है, कैसे मैजिकल बढ़ते हैं कैसे घटते हैं, उन सब का अनुमान लगा सकें और बाजार में एक अच्छे ट्रेडर्स के रूप में उभर के आ सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।